हेलो गाइस, मैं विशाल आनंद। आज मैं पुरानी दिल्ली से हरिद्वार के लिए ब्लॉग बनाने जा रहा हूँ। मैं आशा करता हूँ कि आप मुझे हमारे वीडियो को देख करके सपोर्ट करेंगे और भी अच्छे से वीडियो बनाने के लिए आप प्रेरित करेंगे लाइक और सब्सक्राइब करके। तो मैं यहाँ पर पुरानी दिल्ली से हरिद्वार स्टेशन आ चुका हूँ और मैंने रात्रि में ही टिकट लिया था। मेरा जो ट्रेन था रात का ही समय में था और मॉर्निंग के टाइम में मैं उतर चुका हूँ ट्रेन से। और मैं बाहर का ये आप देख सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है यहाँ का। देखिए भगवान भोलेनाथ का बहुत ही बड़ा मूर्ति यहाँ पर बना हुआ है। तो मैं यहाँ पर अपने पापा, मेरी सिस्टर और मेरे भांजा के साथ मैं यहाँ पर हरिद्वार घूमने आया हूँ। मैं आशा करता हूँ कि मैं ब्लॉग अच्छा बना सकूं। और मैं हर की पौड़ी मुझे जाना है, तो मैं यहाँ पर हवा हवाई या ई रिक्शा आप इसे कह सकते हैं, आपको यहाँ पर आसानी से मिल जाएगा हर की पौड़ी जाने के लिए स्टेशन से। तो मैं यहाँ पर हरिद्वार में उतर चुका हूँ हर की पौड़ी। तो अभी मॉर्निंग का टाइम है, तो मॉर्निंग के टाइम में अभी लगता है यहाँ पर रोड अभी साफ नहीं हुआ है। खैर कोई बात नहीं, और मैं अब चलता हूँ गंगा घाट की तरफ। यहाँ पर देख सकते हैं कई सारे दुकान वगैरह सब खुले हुए हैं। सुबह सुबह के टाइम में यहाँ पर सबसे बढ़िया ये होता है कि आप यहाँ पर मॉर्निंग के टाइम में आप स्नान आदि करके पूरा दिन आपका खाली रहता है। और भी आप बहुत सारे यहाँ पर टूरिस्ट प्लेस हैं जहाँ पर आप घूम सकते हैं। जहाँ तक मुझे मालूम है कि उत्तराखंड में जो हरिद्वार एक डिस्ट्रिक्ट है, और हरि का द्वार इसलिए कहा जाता है कि मान्यता है कि भगवान विष्णु का हरिद्वार नगरी भगवान श्री हरिनाथ और बद्रीनाथ के द्वार माना जाता है, जो कि गंगा के जो तट पर स्थित है। यही वो जो गंगा का तट है, यही घाट है हर की पौड़ी। इसे ही गंगा का द्वार पुराणों में कहा जाता है, इसे कई कई नामों से जाना जाता है, जैसे मायापुरी, बहुत सारा कुछ नाम से है। जैसा कि मुझे तो इतना नहीं मालूम है, अगर आपको मालूम है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और ये भारत का सबसे 7 पवित्र स्थानों में से ये एक है। और हर की पौड़ी जो घाट है, यहाँ पर कुंभ का मेला लगता है जो बहुत ही देखने लायक होता है। जैसा कि मुझे कुछ जानकारी है तो मैं आपके साथ शेयर जरूर करूँगा। जैसे कि हर की पौड़ी जो घाट है, इसे विक्रमादित्य ने अपने भाई भर्तृहरि के याद में बनवाया था, ऐसा मान्यता है। और इस घाट को ब्रह्मकुंड के नाम से भी जाना जाता है, जो गंगा के पश्चिमी तट पर स्थित है। मैं वहां पर भी जाऊंगा और आपको वहां का वीडियो भी आपको दिखाऊंगा। और ये मान्यता ये भी है कि हर की पौड़ी में स्नान करने से जम जम के पाप भी धुल जाते हैं, तो यहाँ काफ़ी श्रद्धालु लोग आते हैं स्नान करने के लिए। और हर की पौड़ी का अर्थ यह भी है कि हरि की पौड़ी, यहाँ एक पत्थर में श्री हरि के पद चिन्ह मौजूद है, ऐसा मान्यता है, इसलिए इसे हरि की पौड़ी भी कहा जाता है। और हर की पौड़ी ही वह स्थान है जहाँ पर अमृत कलश से अमृत छलक कर गिरा था। और यह भी कहा जाता है कि यह वही स्थान है जहाँ पर वैदिक काल में श्री हरि विष्णु जी और शिव जी प्रकट हुए थे। तो यहाँ पर बहुत सारी मान्यता है, जैसे कि ब्रह्मा जी ने एक यहाँ पर प्रसिद्ध यज्ञ भी किए थे, और यहीं पर हर शाम प्रसिद्ध गंगा आरती भी होती है, जो बहुत ही देखने के लिए काफ़ी श्रद्धालु पर्यटक आते हैं देश विदेश से यहाँ देखने के लिए। और उस समय यहाँ का अनोखा नज़ारा होता है, मैं आपको यहाँ का आरती भी दर्शन करवाऊँगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कई सारे होटल, धर्मशाले इत्यादि बहुत सारे खुल चुके हैं, आपको यहाँ ठहरने की कोई दिक्कत नहीं होगी। और मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगा कि आप यहाँ पर आप कब आ सकते हैं। तो हरिद्वार जाने का तो आप साल भर में कभी भी जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर 12 महीने लोग आते जाते रहते हैं। फिर भी अगर आप मौसम के अगर हिसाब से अगर आप आना चाहते हैं, तो यहाँ पर आप बारिश में या गर्मी में जाने से बचिए, क्योंकि इस समय यहाँ खूब भीड़ रहती है। अगर आप भीड़ से बचना चाहते हैं तो आप सितंबर से नवंबर तक या फरवरी से मई तक आप जा सकते हैं।
चलिए तो मैं आपको ये भी बता दूं कि यहाँ अगर आप हरिद्वार में आते हैं तो आप यहाँ पर कहाँ कहाँ घूमने जाएंगे। तो यहाँ पर आप जैसे कि चंडी देवी मंदिर है, राजा जी नेशनल पार्क है, मनसा देवी मंदिर है, भारत माता मंदिर है, वैष्णो देवी मंदिर है, पतंजलि योगपीठ है, स्वामी विवेकानंद पार्क है। तो मैं कोशिश करूँगा यहाँ पर का भी वीडियो आपके साथ साझा करूँगा, और ऐसे मैं सबसे पहले मनसा देवी भी जाऊँगा, उसका भी वीडियो मैं जल्द लाने वाला हूँ, और इसके बाद मैं ऋषिकेश जाऊँगा और पतंजलि भी योगपीठ का जाने का इरादा है, तो मैं वहाँ का भी वीडियो लाऊँगा। तो मैं पूरी कोशिश करूँगा कि जहाँ भी मैं जाऊँगा वहाँ का पूरी वीडियो आपके साथ साझा करूँगा, और मैं आपको ये दिखा दूँ यही वह स्थान है जो ब्रह्मकुंड के नाम से जाना जाता है हर की पौड़ी में, और ये मंदिर है महर्षि वाल्मीकि मंदिर है, प्रमुख मंदिर है, और तो मैं यहीं पर स्नान करने वाला हूँ। तो इससे पहले मैं आपको बाहर का विजिट करवा देता हूँ। तो ये मार्केट एरिया है जहाँ पर आपको कोई भी चीज़ की ज़रूरत है तो आप यहाँ ले सकते हैं, और ये मुख्य द्वार है, भव्य मुख्य द्वार बनाया गया, और यहाँ पर आप सामने पहाड़ देख रहे हैं, यहाँ पर ही मनसा देवी मंदिर है। तो ये आप मैं आपको विजिट करवा देता हूँ पूरी मार्केट, उसके बाद मैं स्नान करने जाता हूँ। तो अब आरती शुरू होने वाली है, तो आप आरती में बने रहें और पुण्य के भागी बने, क्योंकि यहाँ की आरती का बहुत ही महत्व है। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, और अपने चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिए।
भैया इनकी मनोकामना पूरी करे और कारोबार में तरक्की करे भैया। लो जी
कहाँ से? हिमाचल से बाबू जी। ये हिमाचल निवासी हमारे बाबू जी एक बेड का खर्चा दे रहे ना भैया, राजी रखे भैया, दान दे के दान दे रहे ना भैया। ये बड़े भाग्यशाली का दान माँ गंगा जी की आरती में लगता है। और कोई श्रद्धालु का विचार हो बोल देना भैया। दे रहे गंगा मैया राजी रखे भैया, अब पंकज खुले दे दे 500। गंगा मैया राजी रखे और कारोबार में तरक्की करे भैया। जय हो, जय हो।